इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा थर्ड में यूनिट नंबर 8, यूनिट का नाम है लाइफ इकोज। लाइफ यानी जीवन, इकोज यानी होता है प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि लौट करके वापस आना, प्रतिध्वनि। जब कोई अंक बोलते हैं और हमारी आवाज टकरा करके वापस आ जाती है, उस आवाज को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, यानी वो लौट करके वापस आना। तो जीवन की प्रतिध्वनि। वन डे यानी एक दिन। वन डे ए लिटिल चाइल्ड आस्कड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज फॉर टॉफी। वन डे एक दिन, ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे ने आस्कड कहा हिज मदर, उसकी माँ से, टू गिव हिम, उसे देने के लिए 10 रुपीज, 10 रुपये फॉर टॉफी, टॉफी के लिए। वन डे ए चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड आस्कड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज फॉर टॉफी। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से 10 रुपए टॉफियों के लिए देने के लिए कहा। हिज मदर डिसअलाउड यानी होता है अनुमति नहीं देना, यानी देने से मना कर देना। हिज मदर डिसअलाउड इट, उसकी माँ ने उसे मना कर दिया इसे देने से। किसे देने से? पैसे देने से। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सैड टू हर। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था, एंड सैड टू हर, और उससे कहा, किससे? अपनी माँ से। उसने अपनी माँ से कहा आई हेट यू, हेट यानी होता है घृणा करना। आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। ही रन आउट ऑफ द हाउस, ही रन आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर दौड़ा। एंड वेंट टू ए वैली, वैली यानी होती है घाटी। एंड शाउटेड और चिल्लाया, शाउटेड यानी चिल्लाया। ही रन आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू ए वैली, वे घर से दौड़ा और एक घाटी पर चला गया। एंड शाउटेड और वहां जाकर चिल्लाया आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, यानी वो घाटी में जाकर के वहां बार बार चिल्लाया आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। सुन द सन हर्ड द इको, सुन यानी शीघ्र या जल्दी ही। द सन पुत्र, हर्ड सुना, द इको जल्दी, लड़के ने या पुत्र ने उसकी प्रतिध्वनि सुनी। आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। ही गॉट ऑफ रेड, गॉट यानी होता है प्राप्त करना, ऑफ रेड यानी डर, उसे डर प्राप्त हुआ यानी उसे डर लगा। ही गॉट ऑफ रेड, वह डर गया। एंड थॉट और सोचा दैट सम बॉडी हेट हिम, हेटेड हिम। एंड थॉट और उसने सोचा दैट सम बॉडी, उसने सोचा कोई मुझसे घृणा करता है। ही रन बैक, वह वापस दौड़ा टू हिज मदर, उसकी माँ के पास। एंड सेड और कहा दैट ही, और कहा कि देयर वॉज ए बैड बॉय, और कहा कि वहाँ एक बुरा लड़का है। इन द वैली, वैली यानी होती है घाटी, और घाटी में एक बुरा लड़का है। हैड शाउटेड, जो चिल्लाया था। घाटी में एक बुरा लड़का है जो चिल्लाया था आई हेट यू, आई हेट यू, जो चिल्लाता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, उन मीनिंगों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको अपनी पेन कॉपी में।
पे लिखना है और याद करना है। लिटिल एल आई डबल टी एल ई, लिटिल यानी होता है छोटा, सी एच आई एल डी चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, गिव जी आई वी ई गिव यानी देना, टॉफी टॉफी, डिसअलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड यानी होता है अनुमति नहीं देना, देने से मना कर देना, हैप्पी एच ए डबल पी वाई हैप्पी यानी खुश, है एच ए टी ई हैट यानी होती है घृणा करना, रन आर ए एन रन यानी दौड़ा, वेंट डब्ल्यू ई एन टी वेंट यानी गया, सुन एस डबल ओ एन सुन यानी शीघ्र या जल्दी, हर्ड एच ई ए आर डी हर्ड यानी सुना, अफ्रेड ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड यानी डरना, थॉट टी एच ओ यू जी एस टी थॉट यानी सोचा, समबॉडी समबॉडी यानी कोई व्यक्ति, बैक बी ए सी के बैक बैक यानी वापस भी होता है, बैक यानी पीठ भी होती है, बैड बी ए डी बैड बैड यानी बुरा, साउटेड एस एच ओ यू टी डी साउटेड साउटेड यानी चिल्लाया, ये मीनिंग्स और ये हूँ डब्ल्यू एच ओ हूँ हूँ यानी कौन या जो, ये मीनिंग्स हैं, इन मीनिंगों को आपको अपनी फेस कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद।